શ્રદ્ધે ડાક સાહબ શ્રદ્ધા દીદી પધારે परम श्रद्धा दीदी अपने आसन पर विराजमान होकर हमको गरमापूर्ण उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं देवतुल्य भाइयों देवी स्वरूपा बहनों शक्ति स्वरूपा माताओं दीपावली पर्व आता है बरसात के बाद और इस दीपोत्सव पर्व के माध्यम से हम नव सिष्टि पर्व मनाते हैं सस्य का मतलब होता है फसल जो श्रावणी फसल थी वह अब कटने वाली है जो सावन मास में पकी होगी गर्मी में पकी होगी श्रावण मास में सिंचाई की गई होगी उस सस्य सस्य यानी एग्रीकल्चर में सस्य शब्द संस्कृत का है इसको कहा जाता है कृषि सस्य ने वो 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 फसल जिसके माध्यम से हम खाते हैं हम अपने आप को पोषित करते हैं वो फसल नवसिष्टि पर्व तो एक प्रकार का दो नवसषिष्टि पर्व होते हैं एक होता है होली वाला और एक होता है दिवाली वाला होली वाला जो होता है वो ठंड के दिनों में जो पकती हुई फसल है वसंत में जो पकती है वो और जो बरसात के बाद पकती है वो वाली वाली इसमें हम धन धान्य धान्य आपको मिलेगा उसमें प्रसाद के बीच में तो धान्य को पकाया जाएगा और उसको उसमें लिया जाता है ये एक प्रकार का यज्ञ है दीपावली वास्तव में एक प्रकार का यज्ञ है और सृष्टि जितनी भी हमारी पोषित हो रही है वो यज्ञ के द्वारा ही पोषित हो रही है तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम सारा ब्रह्म जो है गीता भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ के द्वारा प्रतिष्ठित है यज्ञ न होता यज्ञ का साइकिल न चलता होता तो शायद सृष्टि का संचालन न हो रहा होता सृष्टि का संचालन केवल यज्ञ के माध्यम से हो रहा है यज्ञ वही विश्व भुवन से इस विश्व भुवन की नाभी है न्यूक्लियस है यज्ञ तो इस यज्ञ के माध्यम से ही सारा का सारा संचालन चल रहा है हम दीपावली पर्व मनाते हैं तो दीपावली पर्व के माध्यम से हम लक्ष्मी और गणेश इन दो का पूजन करते हैं ये जो दो हैं ये अलग अलग देवी देवता के वंशज हैं अलग अलग जगह से आए हैं हम हर जगह भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन करते हैं या श्री कृष्ण और रुक्मणी का पूजन करते हैं या राम और सीता का पूजन करते हैं या शिव और पार्वती का पूजन करते हैं पर यहाँ पार्वती पुत्र गणेश और विष्णु की विष्णु प्रिया लक्ष्मी इनका हम पूजन करते हैं क्यों क्योंकि गणेश यानी विवेक विवेक के माध्यम से जो लक्ष्मी आएगी वो हमारे पास टिकेगी तो अगर हमने उसको अनौचित्यपूर्ण ढंग से खर्च किया तो निश्चित रूप से हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा हम हम खत्म कर देंगे गुरुदेव ने लिखा है कि तृष्णा और वासना की खाई इतनी गहरी है कि कुबेर और इंद्र भी उसको पाट नहीं सकते तृष्णा की खाई तृष्णा यानी नेवर एंडिंग ग्रीड कभी समाप्त नहीं होने वाला लालच इतना लालच इतना लालच कि मेरे पास कुबेर की तरह से धन संपदा हो जाए ये हो जाए रावण सोने की लंका में रहता था और एक सीढ़ी बनाना चाहता था स्वर्ग तक कुछ नहीं बना पाया कुछ नहीं कर पाया सब कुछ नष्ट हो गया ये जो भारतीय संस्कृति है इस भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि ये तीन नरक के द्वार है। जो हैं जो बताए गए हैं काम क्रोध तथा लोभ तस्माद्रेम त्यजीत सत्रहवें अध्याय में इन तीनों को नरक का द्वार बताते हुए कहा इनको छोड़ दो इनके पीछे मत पड़ो तो इसी का संदेश देने के लिए गणेश जी को लगाया गया है लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी जी निकली हैं समुद्र मंथन से समुद्र मंथन में जो कुछ भी थोड़ी बहुत विषाक्तताएँ निकली उनके सारे के सारे दुर्गुण लक्ष्मी जी के साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मी यानी धन संपन्नता लक्ष्मी यानी वो वाला धन वो संपन्नता जो हमारे यहाँ टिके वो वाला धन नहीं जो जुए में लोग ख़त्म कर देते हैं वो वाला धन नहीं जो अपेय में हम लोग नष्ट कर देते हैं धन वाला नहीं लक्ष्मी वो जो टिके लक्ष्मी यानी एक प्रकार का ऐसा धन ऐसी संपत्ति जो हमारे पास रहे और हम उसका सदुपयोग करके सारे संसार को सही बना सके, संपन्न बना सके। इसलिए हम लोग इसको लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं जो वो कुछ विकृतियाँ आ गई वो ऐसा कहते हैं कि उच्चेशवा घोड़ा की वजह से चंचलता आ गई ऐसा कहते हैं कि कालकूट की वजह से सम्मोहन की वृत्ति आ गई ऐसा कहते हैं कि जो उसमें मादकता पैदा करने वाला जो, जो वो था द्रव्य था उसकी वजह से मद मद आ गया और इसके अलावा मणि की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी कुटिलता आ गई ये जो सारी की सारी जितनी विपरीत इन चीज़ें हैं इनको भगवान ने लक्ष्मी को धारण करके और लक्ष्मी को अपने साथ जोड़ करके और उसके बाद फिर उसको धारण करके और लेकर के चले तब वो सारी सारी विकृतियाँ निकल गईं लक्ष्मी जो है वो आ, हम विष्णुपति विष्णु विष्णुपत्नी मानते हैं पर ऐसा कहा जाता है कि राजा बाली ने बलि जिसको पाताल का राक्षस पाताल का देवता कहा जाता है बहुत सिद्धांतवादी था तपश्चर्या करता था और उसने राक्षस राजा होने के बावजूद भी देवताओं को पराजित कर दिया क्योंकि तप किया था उसने देवताओं देवता आलसी होते हैं देवता ऐश्वर्य के भोगी होते हैं तो ऐश्वर्य का भोग करके उनके पुण्य क्षीण हो गए थे तो उनके पुण्य क्षीण होने से वो गिरने लगे अल्टीमेटली उन, उनको सबको अरेस्ट करके नीचे ले आया साथ में लक्ष्मी को भी ले आया भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर के गए वामन का अवतार लेकर के उन्होंने लक्ष्मी को छुड़ाया जब उन्होंने मांगा उनसे तीन जगह का तीन पग जमीन मांगी तो तीन पग जमीन में तीनों के तीनों मांग लिए पाताल लोक पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और उसके साथ साथ उन्होंने लक्ष्मी जी को मांग लिया ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल हम लोग जो श्लोक बोलते हैं उसके पीछे यही अर्थ है जिस तरह से बलि ने राजा ने बांध दिया था उसी तरह से मैं तुमको बांधता हूँ मैं तुमको वचन से बांधता हूँ वचन लिया भगवान वा, वामन ने विष्णु ने वामन अवतार ने वचन लिया कि तुम उनको मुक्त करोगे तो मुक्त किया उनको उनको लेकर के आए ये सारी पौराणिक कहाान हैं कहानियाँ हैं पर वास्तविकता ये है कि आज के युग में जो हम लोग जी रहे हैं उसमें हर आदमी लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है पैसे के पीछे भाग रहा है अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे लालच ज़्यादा पैदा करेंगे तो आपके पास पैसा टिकेगा कि नहीं टिकेगा मुझे नहीं मालूम परंतु मित्रों आपके यहाँ दुर्व्यसन आएंगे आपके यहाँ अप्यय पैदा होगा आपके बेटे ही उसको नष्ट कर डालेंगे आपके बेटे बेटी ही खत्म खराब कर डालेंगे यदि विवेक नहीं होगा तो आज जो अप्यय हो रहा है दुष्प दुष्प्रवृत्तियाँ फैल रही हैं और इसके साथ साथ जैसा जैसे अभी अभी आवाज आई फटाखे की आवाज़ आई फटाखे क्यों छूट रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता क्यों छोड़ते हैं हम लोग नहीं भगवान राम आए थे तो उस जमाने में तो उस ज़माने में कहाँ था उस जमाने में न तो चीन था और न फटाखे की फैक्ट्री भारत की थी तो ये कहाँ से आ गया ये ये सब इन सब उससे आवाज़ कन आवाज़ होगी और रोशनी फैलेगी अच्छा चलो रोशनी फैला लो ठीक है पर रोशनी फैलाने का तरीका अलग था भगवान राम जब आए तो भगवान एक अभी मैप निकाला है लोगों ने कि अगर लंका से चले होंगे भगवान तो कितने दिन में पहुँचे होंगे इक्कीस दिन में पहुँचे अयोध्या और उसका वाकद रूट मैप निकाला है तो सीधा लंका से सीधा जो जहाँ उसके रावण की लंका थी वहाँ सीधा निकलता है तो अयोध्या में जा निकलता है सीधा स्ट्रीट कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं रास्ता सीधा वहीं जाता है और वहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे तो लोगों ने दीपक जला करके तो चारों चारों तरफ दीपक जला कर अयोध्या तो नगरी को ऐसा सजा दिया वर्णन वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलता पर तुलसीदास जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने जो वर्णन लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि दीपावली दीपों की आवली बनाई गई दीप की आवली यानी पंक्तियाँ आवली यानी पंक्तियाँ दीपों की आवली, दीपावली मनाई गई तो उस तहाँ तब से दीपावली पर्व का एक क्रम चल पड़ा तो ये भगवान राम ने जो रावण को मारा उसके इक्कीस दिन बाद ये क्रम हुआ और उसके बाद फिर ये जो सिलसिला चला ये सारा के सारा दीपावली का दीपोत्सव पर्व उज, उजास पर्व इसको उजास पर्व भी कहते हैं उजास पर्व दीपोत्सव पर्व हमारे अंदर खुशी पैदा करने वाला पर्व ऐसा कुछ बातों से इसको जाना जाता है ये वास्तव में सही अर्थों में आर्थिक बजट बनाने वाला पर्व है हमारा वार्षिक बजट क्या होना चाहिए साल भर का बजट क्या होना चाहिए पुराने ज़माने में वैश्यों का पर्व होने के नाते इसका बजट पूरे देश का पूरे राष्ट्र का इसी में बनाया जाता था उस राष्ट्र का जिस राष्ट्र के वो लोगवासी थे इसी इसी दिन बनाया जाता था और उसी के हिसाब से खर्च किया जाता था अब बजट शिफ्ट हो गया है फरवरी मार्च में शिफ्ट हो गया है अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको जनवरी में लाने का तय किया कि एक जनवरी के बाद प्रेजेंट होगा ये तो एक जनवरी को बहुत सारे लोग जो हमारे नेता लोग छुट्टी उट्टी लेकर के शेयर करने के लिए विश्व चले जाए विदेश चले जाते थे अब कोई नहीं जाएगा क्यों बजट पेश होगा ना बजट पेश होगा तो उनको ही पेश होना पड़ेगा इस तरह से जो क्रांति हो रही है धीरे धीरे क्रांतियाँ हो रही हैं सारी सारी ये बताती हैं कि वास्तव में ये जो प्रक्रिया थी ये किस समय होती थी ये होती थी ठंड की शुरुआत बस कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक अमावस्या की अंधेरी काली रात में दीपक ने आश्वासन दिया कि मैं रोशन करूंगा मैं पूरा पूरा अंधेरा मिटा दूंगा अंधेरे को मैं पी जाऊंगा सूरज को आश्वासन देता है कार्तिकीय अमावस्या के दिन आज के दिन हम आश्वासन दे रहे हैं केवल उसी को नहीं केवल उसी को नहीं हम उनको भी आश्वासन दे रहे हैं कि इस तरह के फटाके छोड़ छोड़ के भारत की बॉर्डर पर चीम पाकिस्तान की सीमा पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सैनिकों को मार रहे हैं निर्दोष व्यक्तियों को मार रहे हैं और न केवल मारा है बल्कि बुरी तरह से उनको नष्ट भ्रष्ट किया है उनके शरीर को लोग गुस्से में हैं लोग गुस्से में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पे फिर से आक्रमण करो और पूरा आक्रमण करके पाकिस्तान को नष्ट कर डालो वास्तव में देश में इस समय जो गुस्सा है उसको देख के लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो ये पाकिस्तान अपने आप में ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए क्यों बलूचिस्तान उसके यहाँ वहाँ वो कर रहे हैं गड़बड़ी और ऊपर से अफगानिस्तान के नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ भी गड़बड़ी हो रही है आतंकवादी उन्हीं के घुसे हुए हैं सारे के सारे तो वो हमारे यहाँ क्यों आते हैं हमारे इसलिए आते हैं कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपने यहाँ की अव्यवस्था से लोगों का ध्यान बटाने के लिए इसलिए हमारे मोदी जी ने कहा हम जलाएं दीपक इस दीपावली पर, पर एक दीपक सैनिकों के लिए भी जलाएं एक दीपक सैनिकों के लिए भी जलाएं क्यों जलाएं क्यों क्योंकि उनको वो हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं आज हम दिवाली मना रहे हैं दीपोत्सव पर्व मना रहे हैं बड़े शान से मना रहे हैं शांति से मना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है हमको किसी चीज़ का डर डर नहीं है पर हमारी सेना क्यों उसका कारण क्या है कि हमारी सेना पर से, सेना जो बॉर्डर पर खड़ी हुई है वो सारी की सारी हमारी रक्षा कर रही है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है कोई भी अरा, अराजक तत्व कोई भी अनावश्यक तत्व कोई भी हमारा विद्य आक्रांता कोई भी टेररिस्ट हमारे देश की भूमि में प्रवेश न करने पाए मालूम नहीं इनको क्या तमाशा लगता है इनको मरने में क्या आनंद आता है ऐसे मरने में क्या आनंद आता है अरे देश के लिए मरो ना तुम अपने देश के लिए मरना है तो देश में गरीबी मिटाओ पाकिस्तान में भयंकर गरीबी है पाकिस्तान में भयंकर अशिक्षा है पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वह इतना ज़्यादा वो है डिस्पैरिटी है मतलब आ, 80 परसेंट से ज़्यादा लोग गरीब हैं और 20 परसेंट लोग जो के पास सारी संपत्ति है उससे लड़ो ना हमसे क्यों लड़ते हो तुम भारत से क्यों लड़ते हो नहीं सब कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं अरे कश्मीर का तुमको के भी नहीं मालूम ए भी नहीं मालूम एस भी नहीं मालूम एच भी नहीं मालूम एम भी नहीं मालूम आई भी नहीं मालूम आर भी नहीं मालूम कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा कश्मीर कभी हमारे हाथ से जाएगा नहीं हम कश्मीर लेते लेते पाकिस्तान भी ले लेंगे पूरा पूरा हमारे अंदर ले लेंगे से लेंगे पूरा पूरा सिमटने में आ जाएगा पूरी तरह से मतलब ये अंतिम अंतिम गति इनकी आ रही है अंतिम स्थिति इनकी आ रही है कि अब कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान भी सौंपने जा रहे हैं बलूचिस्तान भी हमको मिल जाएगा तो समुद्र का पूरा किनारा कराची से लेकर यहाँ तक पूरा अपना हो जाएगा हम घूम गुम घूमने जाया करेंगे कभी कभी तो वहाँ भी जाया करेंगे कल्पना करो कभी दीप यज्ञ होगा बलूचिस्तान में कभी दीप यज्ञ होगा कराची में कभी दीप यज्ञ होगा लाहौर में कभी कहाँ हो रहा होगा क्यों क्योंकि हमारी सेना वहाँ डटी हुई है अपनी शरीर की जरा भी चिंता नहीं करते हुए अपने परिवार अभी तेईस साल का बच्चा कल तेईस साल का सैनिक बच्चा ही कहूँगा सैनिक कल परसों मारा गया है यहाँ देहरादून का रहने वाला उसकी जब शव यात्रा निकली तिरंगे में लिपटी हुई तो उसकी उनकी बेटी ने कहा बड़ी बेटी ने कि मैं भर्ती होना चाहती हूँ उसकी माँ ने कहा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर डालो किसी भी तरह से ख़त्म कर डालू ये जो आज जो स्थिति हुई है इस स्थिति को बचा बदलना है तो हम सबको सैनिकों के लिए अपने अंदर संकल्प शक्ति पैदा करनी पड़ेगी एक दीपक आप सब भी आज जलाना अभी जब दीपक जलाओ आप संकल्प मन में क्या रहना चाहिए कि हम ये दीपक उन सैनिकों के लिए जला रहे हैं हम अपने परिवार के लिए नहीं जला रहे हैं हम अपने परिवार की संपत्ति के लिए नहीं जला रहे हैं दीपक उन लोगों के लिए जला रहे हैं बस ये मन में रखना तो इससे क्या भाव होगा ये ये आहुतियों का बल उनके पास जाएगा आहुतियों की शक्ति उनके पास जाएगी उनको बल मिलेगा हमने पूरे देश में अपील की है बारह करोड़ गायत्री परिजनों से कि बारह करोड़ गायत्री परिजन कम से कम एक दिया जरूर जलाएं ज़्यादा जलाएं तो बहुत ही अच्छा है बारह करोड़ दीपक जब जलेंगे तो कितनी बड़ी बात होगी मित्रों पूरी पूरी आहूतियाँ पूरे देश में जाएँ कहाँ जाएंगे ये दीपावली पर्व में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सामूहिकता का एक स्वरूप बनता है सामूहिक अर्थोत्सव यह हमारा एक प्रकार का अर्थ का उत्सव है ये वैश्यों का पर्व माना जाता है दीपावली पर्व क्योंकि तो बजट बनाया जाता है पूरे साल भर का वैश्यों का पर्व माना जाता है भगवान कृष्ण ने कहा था कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समुद्भव अठारहवें अध्याय में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कृषि खेती गो गोरक्षा और वाणिज्य यानी देन लेन देन आदान प्रदान ये वैश्य का कर्म है इस कर्म को वैश्य को करने करते रहना चाहिए कर्म के हिसाब से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है कर्म के हिसाब से व्यक्ति वैश्य बनता है कर्म के हिसाब से व्यक्ति शूद्र बनता है कर्म के हिसाब से व्यक्ति क्षत्रिय बनता है तो उन्होंने कर्म भी तय कर दिया कि ये कर्म जो करेगा वो वैश्य कहलाएगा बस अब उसको जन्म से क्यों जोड़ दिया जन्म जन्म वाली क्रांति नहीं गुरुदेव ने तो जन्म वाली क्रांति को बदल दिया गुरुदेव ने कहा कि जन्म ना जाएते शुद्र संस्कार आते चुचित ये जो स्मृति में लिखा हुआ है वही होगा संस्कारों के माध्यम से ही आदमी ब्राह्मण बनता है गुरुदेव ने तो इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि सारे के सारे व्यक्तियों को ब्राह्मण बना दिया आप सब ब्राह्मण बन गए पूरे के पूरे पूरा देश गायत्री परिवार हमारा ब्राह्मण बन गया पूरा पूरा कहीं किसी को ये नहीं मालूम कि मेरे पास जो बैठा है वो कौन है मेरे पास बैठा हुआ है वो हरिजन है कि कौन सी जाति का है नहीं मालूम पुराना ज़माना था एक जिसमें कि लोग पूछ के बैठते थे भाई साहब आप कौन सी जाति के हैं अगर आप ब्राह्मणों की जाति में ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हैं आप गलत बैठे हैं आप यहाँ मत बैठिए ये पूछ के बैठते थे अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है पूरे देश से पूरे विश्व से इसका कारण है गायत्री परिवार गायत्री परिवार के पीछे परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव शक्ति तो मित्रों ये जो पर्व हैं ये पर्व विशेष हैं जैसे विजयादशमी क्षत्रियों का पर्व दीपावली वैश्यों का पर्व होली शूद्रों का पर्व और रक्षाबंधन श्रावणी ब्राह्मणों का पर्व ऐसा ऐसा कहा जाता है इसलिए बनाए गए हैं पूरे हमारे पर्व में उत्सव शब्द आपका उत्सव आता है उत्स यानि उल्लास अंदर का उल्लास उत्स उत्स शब्द से उत्सव उत्सव पर्वोत्सव पर्व यानि पोर पोर से बनता है पर्व पोर यानी गांठ जैसे गन्ने की गांठ होती है उसके आसपास का हिस्सा बहुत मीठा होता है गांठ के आसपास का हिस्सा मीठा होता है अगर आप ऊपर से खाना चालू करेंगे तो फीका 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 नीचे आते जाएंगे जैसे गांठ आते जाएंगे वैसे वैसे मीठे मीठे मीठा गन्ना मिलता जाएगा अपने अंदर मिठास पैदा करो देना चालू करो सबको अपने पास जो कुछ भी है उसको बाँटो कहाँ कहाँ करोगे खर्च समाज के लिए जनता के लिए समय दान में दो साधन दान में दो संपन्नता अपनी बढ़ाओ मत तो आप पास जो संपन्नता है वो सरकार छीन लेगी काला धन सरकार छीन रही है धीरे दिर धीरे कोई काला धन वाला नहीं रह पाएगा और आप पैसा रखोगे भी तो कहाँ संभाल कर रखोगे किधर रखोगे पूरे के पूरे खजाने चोरी हो रहे हैं एटीएम टी पूरे के -पूरे, पूरे चोरी हो रहे हैं जगह जगह डाके डल रहे हैं आप क्या करेंगे आप इसके बजाय सीमित अपना ब्राह्मणोचित जीवन जीते हुए अपन कैसे रह सकते हैं इस तरह सोचें और बाकी सुरक्षा की बात भगवान के ऊपर छोड़ दें भगवान सब सम्ण संभाल के रह गए मेहनत करो उद्योगम जो भगवान भगवान कहते हैं कि जो उद्योग उद्योग में जीवन जीता है जो पुरुषार्थ में जीवन जीता है लक्ष्मी उसके पास निवास करती है लक्ष्मी उसके पास निवास करेगी जो पुरुषार्थ का जीवन जीता है तो पुरुषार्थी वो होता है जो कल का विश्वास नहीं करता वो शाम तक आराम से उम्मीद करता है कि मैं कमा लूँगा इतना कमा लूँगा कि मेरे को अगले दिन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी इसलिए कभी भी बैंक की चिंता मत करो आप बस एक ही चीज़ की चिंता करो कि आपने अपना मैनेजमेंट ठीक किया है कि नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक किया है कि नहीं मित्रों यही गणेश जी सिखाते हैं ये लक्ष्मी सिखाती हैं और इसी के माध्यम से हम इस दीपक दीपोत्सव पर्व को दीपक के माध्यम से मनाते हैं दीपक में क्या है पात्रता है योग्यता पात्रता एक गहराई है दीपक में एक बाती है ये प्रखरता की प्रतीक है प्रखरता ऊपर जाती है वर्तिका जो होती है जो ऊपर की तरफ जाती है ये प्रखरता वास्तव में प्रामाणिकता की प्रतीक है अगर मैं प्रामाणिक हूँ तो मुझे ऊँचा उठना चाहिए अगर मैं प्रामाणिक नहीं हूँ तो मुझे ऊँचा नहीं उठना चाहिए मुझे कोई अधिकार नहीं है प्रामाणिकता प्रखरता ये ऊपर ले जाने वाली प्रक्रिया और स्नेह आसपास जो सरसों का तेल है या मीठा तेल है या घी है जो कुछ भी है इसके माध्यम से सींच सींच कर बाती जो है जलती रहती है दीपक जलता रहता है उसकी सुगंध से जो बरसात के दिनों में जो कीड़े मकोड़े इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे नष्ट होते चले जाते हैं इसलिए यज्ञ किया जाता है जो कार्तिकीय अमावस्या है ये पहला के दिन पहला दीप यज्ञ किया भगवान राम ने भगवान राम के अनुचरों ने उनके स्वागत में ऐसा कहा जाता है कि महावीर ने जो शरीर छोड़ा था वो शरीर छोड़ने के बाद यक्षों ने दीपावली मनाई कैसे मनाई उन्होंने कहा इतने सारे देवी देवता आएंगे उसमें कोई हिंदू धर्म जैन धर्म इनसे अलग अलग नहीं थे हिंदू धर्म सनातन धर्म है उसमें जैन धर्म सब मिला हुआ है तो सारे के सारे देवी देवताओं का स्वागत करने के लिए उन्होंने जगह जगह उन्होंने नक्षत्र ये पूरे के पूरे जितने भी हो सकते हैं ये हीरे मणि माणिक मणिमाणिक और ये सब के सब रख दिए जो चमकने वाले थे स्वेल्फ सेल्फ एल्यूमिनेटिंग उन सब चमकने वालों को रख दिया उनके माध्यम से प्रकाश हो गया जहाँ ये नहीं रख पाए वहाँ दीपक जला दिया उन्होंने तो भगवान महावीर तीर्थंकर महावीर की याद में नंबर एक दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने भी शरीर छोड़ा था दीपावली के दिन और तीसरा हमारे श्री तीर्थ भगवान जो बहुत स्वामी विवेकानंद के दिनों में जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बाद प्रसिद्धि पाई तो रामतीर्थ ने और वेदांत का शिक्षण दिया उन्होंने विदेश में जाके भारत में भी उन राम तीर्थ ने यहीं शरीर छोड़ा था टेहरी के पास गंगा में ये तीनों का निर्वाण दिवस है तो ये एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है ये दीपावली पर्व का एक एक महत्व जो है ये समझने लायक है यदि हम इसको समझ जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बस मैं समझता हूँ कि आज यदि इस पर्व को यदि आप समझ सके पर्व की गरिमा को समझ सके तो आप सबसे पहला काम ये सीखेंगे अव्यय नहीं करेंगे भई खाता बनाएंगे बजट बनाएंगे और बजट बना करके अपना खर्चा संभालेंगे पूरा का पूरा ये जैसा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है हमारे पास तो आप दरवाज़ा खोलो तो नोट के नोटों की गड्डी गड्डी नीचे आ जाती हैं ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके यहाँ कमरों में नोट भरे हुए पड़े हैं खर्च भी नहीं कर पाते उसके अंदर ही दब के मर जाएंगे ऐसा लगता है कभी पर कभी कभी देंगे नहीं समाज के लिए समाज के लिए देने की वृत्ति पैदा होगी तभी आदमी का पैसा समाज में लगेगा तभी समाज के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए आगेगा आज हम अगर तो कोई भी चीज़ बचाते हैं तो उस उसका उसका बचत का जो राशि है वो राष्ट्र को जाती है राष्ट्र को जाती है तो चाहे वो सेम बचत पत्र हो राष्ट्रीय सेविंग बचत पत्र हो या कुछ भी हो हम सेविंग करते हैं तो वो उससे सर का सरकार सेना के लिए साधन खरीदती है सेना के लिए साधन खरीदती है तो हमारी रक्षा होती है आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं अपने साधनों की रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं अपने देश की रक्षा करना चाहते कि नहीं इसको ध्यान में रखते हुए आप भी अपना आर्थिक रक्षा का एक स्वरूप बनाने की कोशिश करिए कैसे करें हम अप्य नहीं करेंगे हम पैसा बचाएंगे और पैसे को अच्छे काम में लगाएंगे जहाँ तक ज़रूरी होगा और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यों के लिए इसको नियोजित करेंगे बस इतना दीपावली पर्व का मर्म है यदि आपने इतना समझ लिया तो हम हमारा आज का दीप सफल दीपावली पर्व मनाना सफल दीपावली पर्व के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं दीपावली पर्व के दो दिन पहले पहले सफाई होना चालू हो जाती है दो महीने पहले से तो नरकासुर का वध होता है कल के दिन न उस नरकासुर का वध हुआ रूप चतुर्दशी मनाई गई और उसके बाद उसके पहले धनवंतरी त्रयोदशी जो है मनाई गई थी इसके बाद रूप चौदस फिर आज है हमारा ये दीपावली पर्व कल है गोवर्धन पर्व कल गोवर्धन उठाया गया था और गोवर्धन पर्व के तुरंत बाद यदि आप जाएंगे तो भाई दूज भाई दूज के बाद फिर एक कंटिन्यूस श्रृंखला है बिहार में मनाया जाता है छठ पर्व और छठ पर्व के बाद मनाया जाता है मित्रों या एक अन्नकूट भी मनाया जाता है गोर्धन पर्व के साथ उसके बाद लास्ट में फिर गोपाष्टमी आता है कंटिन्यूस सीरीज आठ बारह दिन तक पर्वों की उत्सव उत्सवों की श्रृंखला है ये एक अपने आप में विलक्षण चीज़ है भारतीय संस्कृति में कि हमारे यहाँ पर्व त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं उसका कारण है उस कारण को समझने के बाद फिर आप अगर मनाएंगे तो आपको आनंद आएगा तो पटाखे छोड़ने के लिए दीपक जलाने के लिए लड़ी लगाने के लिए बल्बों की वो पूरी पूरी आप लगा देते हैं चीनी सामान खरीदते हैं समझ शर्म शर, आनी चाहिए आपको चीनी चीनी सामान क्यों खरीदते हो चीनी सामान जितना आप कम खरीदो इस बार बहुत अच्छी अवेयरनेस आई है चीनी सामान इतना कम बिका है इस बार इतना कम बिका है कि मतलब तो धक्का लगा है उसको बुरी तरह से कम से कम साढ़े तीन अरब डॉलर का धक्का लगा है चीनी चीनी बाज़ार को केवल दिवाली पर कम सामान खरीदने की अपील से एक सोशल मीडिया पे अपील चली गई प्रधानमंत्री जी ने अपील की सारे लोगों ने अपील की सारे धर्माचारियों ने अपील की तो एक उससे क्या हुआ उस लोगों ने वो वाला सामान नहीं खरीदा हम क्या समझते हैं कि प्रकाश ज़्यादा करेंगे लक्ष्मी जी हमारे यहाँ जल्दी आ जाएंगी हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा लड़ी लड़ी लगाएंगे उतनी हमारे यहाँ वो आएंगे लक्ष्मी जाएंगे ये जो लड़ लगाते हैं और ये प्रकाश के जो बनाते हैं ये आवली के लाती है पंक्ति के लाती है ये दीपावली नहीं रह गई अब अब बल्बावली हो गई सारी सारी बल्बों की पंक्तियाँ लग गई हैं बल्ब लगाने से क्या फ़ायदा है बिजली खर्च और करते हो और लगाते हो इससे अच्छा दीपावली मनाओ और दीपावली को उत्साह उल्लास के साथ मनाओ खूब को मंगल कामना आइए अगले क्रम में जो विशेष क्रम है बही खाते एवं कलम दबात का पूजन होता है और उसके लिए श्रद्धा दीदी श्रद्धे डाग साहब बही खाते का पूजन करेंगे हमने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया हिसाब किताब कैसे रखें वही हमको ये दर्शाती है इस भाव के साथ में आदरणीय श्री हरीश भाई जी ठक्कर जो हमारे लेखा विभाग के प्रमुख हैं और हमारे अति वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राम सहाय शुक्ल जी आए हैं और बही खाते का पूजन का क्रम संपन्न करा रहे हैं श्रद्धा दीदी से तेसरो यदर्वे शिसानी ॐ श्रीचूर्णजातो अचक्रदध्वने फ्वाज ऋषहसि शासते दिवोरेतसा स च ते पयोवृधा बड़ा ही पारदर्शी हिसाब किताब संतुलित ब्रह्मणोचित और जनमानस की श्रद्धा का एक एक पैसा किस प्रकार से लोग मंगल के लिए नियोजित हो रहा है इसके लिए जोर से करतल धनी करके और हमारे आपने देखा होगा कि जीजी ने बही खाते का पूजन किया और मैंने कंप्यूटर का पूजन किया और कंप्यूटर के साथ साथ मैंने माउस का भी पूजन किया गणेश जी चूहे पे बैठते हैं आज के गणेश जी माउस पे बैठते हैं तो उस माउस के पूजन करते समय आप भी याद रखिए हमेशा कि ये गणेश जी को याद दिला रहा है हमको ये कंप्यूटर जो है ये हमको गणेश जी की याद दिला रहा है बस माउस चूहे की याद दिला रहा है जो उनका वाहन है इसका पूजन करते हैं और जी ने बही खाते का पूजन किया आज हिसाब जो है हमारी सारी सारी जितनी भी अकाउंट्स की स्प्रेडशीट हैं इनकम टैक्स में पूरी डायरेक्ट जाती हैं अब सीधी अब वो लिखित में नहीं जाती हैं सारे कागज़ वागज का खर्चा खर्चा कम हो गया अब अब पूरी की पूरी बाई इंटरनेट चली जाती हैं पूरी पूरी धीरे धीरे आने वाले दिनों में दो तीन साल के अंदर ये हो जाएगा कि सारा सारा काम जो है कागज़ पे नहीं होगा कंप्यूटर पे होगा तो कंप्यूटर देवता को प्रणाम करते हुए आइए अब दीप यज्ञ के साथ में ही दीप प्रज्वलन होगा कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें साहब मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आने वाला है और ये गायत्री परिवार के जो रचनात्मक गतिविधियाँ चल रही हैं वो सारे देश में विश्व में एक नया प्रकाश नई ऊर्जा नई ऊष्मा लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं आइए अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का दीपक जले इस भाव के साथ में जो स्वयं सेवक भाई हैं दीपकों के पास में पहुंचेंगे। सबसे पहले शहीदों के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे श्रद्धे डॉक्टर साहब सब लोग करतल ध्वनि से सबसे पहला दीपक जो जल रहा है शुभम करो कल्याणम आरोग्यां धनुसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोदे शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोदे ॐ आग्नेनाय स्व